सो गाइस, अगर आप भी मीशो से कोई भी पार्सल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने मीशो से कोई कपड़ा ऑर्डर किया है, ठीक है, अब आपके पास वो कपड़ा तो आया नहीं, उसकी जगह पे कोई दूसरा कपड़ा आ गया है, ठीक है, तो क्या गाइस, अब आप उसे रिटर्न करते हैं, तो जैसे आप रिटर्न करते हैं तो रिटर्न के बाद क्या होता है कि वो आपका रिटर्न हो ही नहीं रहा है, मतलब डिलीवर आपका पार्सल पिकअप कर ही नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ है गाइस, मैंने क्या किया था, मीशो से एक पार्सल ऑर्डर किया था, मैंने ये टी शर्ट ऑर्डर की थी, जैसे डिस्प्ले पर देख सकते हो, मैंने ये टी शर्ट ऑर्डर की थी। अब हुआ ये कि भैया ये टी शर्ट तो मेरे पास आया नहीं, इसकी जगह भैया ये वाला पार्सल आ गया, मतलब ये कपड़ा आया, ठीक है, टी शर्ट की जगह मुझे ये कपड़ा मिला जो कि साड़ी का कपड़ा था, वो भी आधे से कम था, एक दुपट्टे के बराबर ये कपड़ा था, फटा पुराना कपड़ा था, ठीक है। अब मैंने जैसे अनबॉक्सिंग की तो भैया ये वाला मुझे यहाँ पे पार्सल मिला, तो मैंने इसे रिटर्न लगाया। तो मीशो पे एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जब आप पार्सल को रिटर्न लगाते हैं तो उसमें आपको पार्सल की ओरिजिनल इमेज को अपलोड करना पड़ता है, तो मेरे पास कोई टी शर्ट की फ़ोटो तो थी नहीं क्योंकि मुझे वो रिसीव ही नहीं हुआ था, तो मैं कहाँ पे फ़ोटो लगाता, ठीक है, तो मैंने इसी प्रोडक्ट की फ़ोटो वहाँ पर अपलोड कर दी, तो इससे हुआ यह कि भैया रिटर्न की रिक्वेस्ट तो अप्रूव हो गई, अब पिकअप के लिए कुरियर बॉय मेरे पास आया, ठीक है। अब जैसे आया तो मैंने भैया यही पार्सल उसे दिया जा करके, भैया ये मेरे पास आया तो मैं यही दूंगा उसे, तो मैंने जैसे ये दिया, उसने खोल करके जैसे ही चेक किया तो बोला भाई ये आप क्या दे रहे हो मुझे, तो मैंने कहा भैया यही रिसीव हुआ है तो यही तो मैं आपको दूंगा, टी शर्ट तो दूंगा नहीं, तो बोला भाई इसमें साफ लिखा है कैजुअल टी शर्ट है, तो भैया टी शर्ट ही दो, तो मैंने कहा जब यही आया तो कैसे दूंगा उससे, मुझे मेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, मतलब रिटर्न ले नहीं रहा था, ठीक है, वो पिकअप कर ही नहीं रहा था पार्सल, बोल रहा था मेरे ऊपर पेनाल्टी वगैरह लग जाएगी, तो काफ़ी बहस हुई, तो पार्सल तो वो ले गया लेकिन उसने क्या किया कि पिकअप नहीं किया, ठीक है, वो क्या करता है फ़ोन से ही पिकअप का स्टेटस चेंज करता है, जब वो पिकअप कर देगा फ़ोन में तभी आपका पैसा आएगा, उसने पिकअप नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाती है, अगर वो पिकअप कर लेता हो क्वालिटी चेक का इशू था उसमें, तो उसने क्या किया पिकअप नहीं किया, पार्सल तो वो लेगा, वो उसने बोला कि मैं अपने मतलब ऑफिस में जाकर के शायद दिखा दूंगा, और वो लोग बोलेंगे तो मैं पिकअप कर लूँगा, तो वो मतलब काफ़ी बहस होने के बाद ही उसने मतलब पार्सल मेरा लिया, ठीक है, तो अब ले गया वो, एक दो दिन तक उसने चेक करवाया होगा, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया कि भैया ये यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है, मैं इसे आपको वापस कर दूंगा अगले दिन, ठीक है, मतलब वो पार्सल रिटर्न हुआ ही नहीं, अगले दिन आया उस बंदे ने मेरा पार्सल मुझे वापस कर दिया, मैं उससे ज़्यादा भी बोल नहीं सकता क्योंकि वो भी अपनी जॉब कर रहा है, क्या होता है कि अगर वो मेरा मतलब रिटर्न कर लेगा तो उसके मतलब पेनाल्टी लग जाएगी, उससे अकाउंट से पैसे जाएंगे, ठीक है, उसकी सैलरी से पैसे कट जाएंगे, तो अब हुआ ये कि भैया ये रिटर्न हो नहीं रहा था, तो अब मैंने इसे रिटर्न कैसे किया, मैंने इसे मतलब रिटर्न तो किया, मेरा पैसा भी पूरा वापस आया, फिर से मैंने उसी शॉप से उसी सेलर से ये टी शर्ट ऑर्डर भी की और अगली बार मेरी टी शर्ट भी आई मेरे पास, तो इसके लिए मैंने क्या किया गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपके साथ ऐसा होता है आपका पार्सल रिटर्न नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पार्सल रिसीव करना है, जब आप रिटर्न लगा देंगे अगर बंदा वो पार्सल आपका ले गया है तो आपका पार्सल अपने पास ले लेना है, उसके बाद आपको कस्टमर केयर को कॉल करनी है, ठीक है, कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद आपको उनसे अपनी सारी बात बतानी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने ऑर्डर किया था, मेरे पास ऐसा ऐसा कपड़ा आया, ये सारी चीज़ें, अब उनसे ये बोलना कि सर आप अपनी तरफ से इसे रिटर्न लगाइए, ठीक है, मैं रिटर्न लगा रहा हूँ तो फिर मतलब जो डिलीवरी बॉय आ रहा है पिकअप करने के लिए वो पिकअप नहीं कर रहा है, और उनसे ये भी बोल सकते हो कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हुआ ये वे करके, मतलब आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ बोल देना था कि उनको लगे कि हाँ बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, तो उनसे बोलना कि अपने तरफ से इसे रिटर्न पे लगाइए, ठीक है, वो उनसे बोलना कि अपने तरफ से रिटर्न पे लगाइए और नॉन क्यूशी पे लगाइए, ठीक है, नॉन क्वालिटी चेक पे इसे लगाइए, सबसे मतलब मेन चीज़ ये उनसे यही बोलिएगा कि नॉन क्यूशी पे इसे सर लगवाइए, ठीक है, तो क्या है कि जब कस्टमर केयर वाले आपका प्रोडक्ट अपनी तरफ से रिटर्न लगाएंगे तो आपका यहाँ पे पार्सल ऑटो मतलब अगली बार जब डिलीवरी बॉय कोई भी आएगा तो आपका पार्सल ले जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है, वो आपका पार्सल ले जाएगा, क्या होता है जब कस्टमर केयर वाले अपनी तरफ से रिटर्न लगाते हैं तो आप जैसे रिटर्न की रिक्वेस्ट पे जाकर के स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर रीज़न फॉर रिटर्न पर ऐसा लिख करके आता है कस्टमर सपोर्ट, मतलब ये कस्टमर केयर वालों ने ये प्रोडक्ट रिटर्न लगवाया है, तो वहाँ पर उनका कोई भी इशू नहीं रहता, डिलीवरी बॉय का वो आएगा आपका पार्सल लेकर के चला जाएगा, फिर भी अगर डिलीवरी बॉय आपसे कुछ भी बोलता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे रीजन फॉर रिटर्न का कि मतलब कस्टमर केयर वालों ने ये लगवाया, नॉन क्यूशी पे लगा हुआ है, तो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, आपका पार्सल लेकर के चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए गाइस, आपको यहाँ पे पहले एक प्रूफ के तौर पे चलिए आपको दिखा देते कि मैंने यहाँ पे रिटर्न खुद लगाया, मतलब आप ऐसा ना सोचे कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, मैंने इसे खुद रिटर्न लगवाया और दो तीन बार रिटर्न लगवाया था, ठीक है, मतलब एक बार में तो हुआ नहीं था, अगली बार डिलीवरी का एक बंदा आया था डिलीवरी का, वो लेकर के गया था, तो चलिए आपको फ़ोन की डिस्प्ले पर दिखाते हैं कि मैंने दोबारा ऑर्डर भी किया और इसे रिटर्न करवाया भी है, मेरा पैसा भी आया, तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले की ओर। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं माई ऑर्डर पे सेक्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला टी शर्ट यहाँ पे ऑर्डर की थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिख करके आ रहा है रिटर्न पिकअप, अब ठीक है, मतलब ये मेरा पार्सल रिटर्न हो चुका है। अब चलिए आपको इसमें क्लिक करके दिखाते हैं, ठीक है, इसका इसका पूरा स्टेटस ही आपको दिखा देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी जो कि मुझे 258 रुपये में पड़ी थी, ओनली रॉन्ग डिफेक्ट आइटम में मैंने यहाँ पे ऑर्डर की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मैंने इसे ऑर्डर किया था 30 मार्च को, ठीक है, डिलीवर्ड भी मेरे पास हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे सो मोर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट पे, यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट AWB, यहाँ पे मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट हमारी अप्रूव हो चुकी थी। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे 5 अप्रैल को यहाँ पे लगा दी थी, 5 अप्रैल को डिलीवर हुआ था, 5 ही अप्रैल को मैंने यहाँ पे रिटर्न पे ये पार्सल लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पिकअप के लिए जो बंदा आना था 7 अप्रैल को आना था। ठीक है, एक्सपीज का एक बंदा आना था 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को बंदा आया था मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ था, उसने क्या किया था, रिटर्न मेरा पिकअप ही नहीं किया था, आया था मेरे पास पार्सल, उसने लिया था, ले गया था, लेकिन उसने पिकअप नहीं किया था। क्या है, वो पिकअप अगर कर देता तो मेरे पास पैसा भी आ जाता, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती, तो उसने पिकअप नहीं किया था। ठीक है, पिकअप नहीं किया तो उसने पार्सल मेरा ले गया था, उसके बाद अगले दिन मुझे लौटा गया था पार्सल। ठीक है, ले गए वापस मुझे दे गया था कि भैया ये रिटर्न यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि मैंने फिर क्या किया था, अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट को कैंसिल करवाया था। उसने क्या किया था, रिटर्न रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं किया था, जब मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा था कि सर मुझे इसे रिटर्न करना है, तो बोल रहे थे कि इससे पहले रिटर्न रिक्वेस्ट को कैंसिल करवा, मतलब कस्टमर केयर वालों की तरफ से रिटर्न कैंसिल नहीं हो रहा था। उसने बोला था कि जो भी आपका कुरियर आया था उससे कैंसिल करवाए, मैं उसे फोन करके मैंने कैंसिल करवाया था। उसने जैसे ही मेरा ये कैंसिल कर दिया, उसके बाद मैंने कस्टमर केयर वालों से दोबारा इसे रिटर्न लगवाया था। ठीक है, कस्टमर केयर वालों ने जब रिटर्न लगवाया था तो देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी का एक बंदा आया था मेरे पास। ठीक है, ये दोबारा यहाँ पे 13 अप्रैल को मेरा फिर से रिटर्न पिकअप के लिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न पिकअप विल बी डन 13 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 13 अप्रैल को मतलब आना था तो आया था मेरे पास, उसके बाद द प्रोडक्ट हैज़ बी पिकअप। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा आपका प्रोडक्ट पिकअप कर लेता तो ये मैसेज होता कि आपका प्रोडक्ट पिकअप कर लिया गया। ठीक है, और जैसे आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाता है उसके बाद आपका रिफंड भी आ जाता है। देख रहे हैं, रिफंड अमाउंट 236 रुपया, ठीक है, ये मेरे अकाउंट पे आ गया था। ठीक है, 10 अप्रैल को उसने पिकअप किया था और 10 ही अप्रैल को मेरे पास आ गया, मतलब 3/7 पे उसने मतलब पिकअप किया था मेरा पार्सल, और 3/30 पे मेरा मतलब पैसा भी आ गया था। ठीक है, 20 से 25 मिनट के बाद मेरा पूरा पैसा मेरे अकाउंट पे आ गया था। तो यहाँ पे क्या, जैसे व्यू रिटर्न रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन फॉर रिटर्न कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, एक्सपेक्शन नॉन QC। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन QC पे ही लगवाना, उनसे बोलना है सर नॉन QC पे ही लगाइएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रीजन फॉर रिटर्न में कस्टमर सपोर्ट का लिखा है, बस इतना ही आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से ये व्यू रिटर्न रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे ही मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं मैंने यही टी शर्ट दोबारा ऑर्डर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले मैंने ऑर्डर की जो कि मैंने रिटर्न यहाँ पे कर दी थी, उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ऑर्डर किया था। ठीक है, जो कि 15 अप्रैल को डिलीवर्ड हो गया था। ठीक है, यही टी शर्ट थी और ये मुझे और भी सस्ती पड़ गई थी। ठीक है, उस बार मतलब मुझे 200 कुछ की पड़ी थी, इस बार मुझे 187 रुपये की पड़ गई थी। ठीक है, सेल ने प्राइस भी वहाँ पर कम कर दिया तो मुझे फ़ायदा यहाँ पे तगड़ा वाला हो ही गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी शर्ट मेरे पास आ गई थी, तो ये डिलीवर्ड भी हुई थी, इस बार मेरे पास मतलब मेरी ये टी शर्ट भी आ गई थी। मैंने यहाँ पर रिव्यू वगैरह भी इसका दिया है, तो मेरे पास इस बार टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई थी, वही टी शर्ट आई थी पहली बार में, मतलब दूसरी आई थी, इस बार में वही टी शर्ट आई थी मेरे पास। तो आपको क्या करना है, सबसे बस यही ख्याल रखना है कि आपको दोबारा जब आप रिटर्न लगाएंगे तो आपको खुद से नहीं लगाना है, आपको कस्टमर केयर वालों से ही लगवाना है। कस्टमर केयर वालों को कॉल करेंगे, अगर आपको नहीं पता कि कस्टमर केयर वालों को कैसे कॉल करें तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करना होगा, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कि आप कस्टमर केयर वालों को कहाँ से कॉल करेंगे, इसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे बता दूंगा। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे जरूर करूंगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और गाइस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।